नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महादेव। महाकाल आपकी रक्षा करे, महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। महादेव के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। तुला राशि वालों, 22 जुलाई बुधवार का दिन, अश्लेषा नक्षत्र और सिद्धि योग में बुध और चंद्रमा का गोचर आपको बड़ी सफलता, खुशखबरी, भाग्यशाली बनाएगा। सौभाग्यशाली योग आज आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा जो दशम भाव में उदय हुए हैं, उस चंद्रमा के साथ सूर्य का रहना आपके लिए बड़ा फायदेमंद योग बना रहा है। चंद्र सूर्य की युक्ति कर्म में आपको कर्मयोगी बना रहा है। साथ ही भाग्य में बैठा बुध और राहु अचानक लाभ दे रहा है। तो जब कर्म और भाग्य दोनों आपका साथ दे रहा हो, तो जीवन में खुशी अपने आप प्राप्त होती है, बड़ी सफलता अपने आप मिलता है। आपको सिर्फ यही करना है कि अपने काम को करते जाना है। कर्म करने से जीवन में खुशी बढ़ेगी, धन मिलेगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी। तुला राशि वालों, आज बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपके भाग्य में बैठा बुध अश्लेषा नक्षत्र में सिद्धि योग में बड़ा सुंदर योग बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपके कर्म भाव में बैठा चंद्रमा आपको कर्म योगी बना रहा है। जब भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चले, तो इंसान के जीवन में खुशियां तो जरूर बढ़ती है। आज भाग्य आपको खुशियों का सौगात देगा, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आप तरक्की और उन्नति करेंगे। तुला राशि वालों, आज कामयाबी से आपका जीवन बदल सकता है, आज आपके भाग्य में सुख आ सकता है, आज आपका भाग्य बदल सकता है। क्योंकि एक ओर जहां बुध और चंद्रमा का प्रभाव आज आपकी राशि तुला पर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ शनि और राहु भी आज बड़ा बलवान है। अश्लेषा नक्षत्र में शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपको सुख दे रहा है। तो तुला राशि वालों, आज कर्म, भाग्य और सुख आपकी कुंडली का तीनों भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में आपके जीवन में बड़ी सफलता, खुशखबरी, धन का सुख, सौभाग्यशाली योग और जीवन में खुशी बढ़ेगी। आज नौकरी में बड़ा परिवर्तन का शुभ योग बन रहा है। बहुत दिनों से आपके नौकरी पर जो खतरा मंडरा रहा था, वो खतरा दूर होगा, आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। साथ ही साथ व्यापार में अब उन्नति का शुभ योग बन रहा है। बुधवार का दिन अश्लेषा नक्षत्र और सिद्धि योग में शुभ मुहूर्त में 2:44 से शाम 7:10 का जो समय होगा, इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ अच्छे काम करें, जिसके अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। धन भी मिलेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, परिवार में खुशियां भी बढ़ेगी, नौकरी व्यापार भी चलेगा, और स्टूडेंट के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। बुधवार का दिन है, बुध ग्रह और चंद्रमा का प्रभाव आपकी राशि तुला पर पड़ रहा है, साथ ही साथ शनि भी शुभ फल प्रदान कर रहा है। ऐसे में आप सौभाग्यशाली होंगे, समय अच्छा है, दिन शुभ है, ग्रहों की दशा आपके भाग्य को चमका रहा है। तुला राशि वालों, वक्त आपका बदलेगा, एक ना एक दिन सभी का अच्छा समय आता है, तो आपके लिए भी अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब इस समय का कैसे फायदा उठाना है, ये आपको तय करना है। आपको सोचना है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की दशा शुभ है। ऐसे में आपके जीवन में सफलता, खुशखबरी के साथ आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, मन की इच्छा पूरी होगी, कोई मनोकामना पूर्ण होगा। वैसे भी आज सावन माह शुक्ल पक्ष का द्वितीय तिथि है, अश्लेषा नक्षत्र और सिद्धि योग में महादेव का दर्शन, महादेव का पूजा जीवन में समस्त सुखों को बढ़ाने वाला होता है। तो आज के दिन आप महादेव का पूजा अवश्य करें, महादेव का दर्शन करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें,
आप देखेंगे ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य के साथ साथ सुख और शांति बढ़ेगी, उन्नति होगी, धन कमाएंगे, आपकी परेशानी दूर होगी, जीवन में चली आ रही बाधा समाप्त होगा, विघ्न बाधा मुक्त जीवन होगा, उन्नति और तरक्की से मन में खुशी होगी, धन भी आएगा, सफलता भी मिलेगा, आप सौभाग्यशाली भी बनेंगे। आज आपको किसी से प्यार भी हो सकता है। आज का दिन रोमांस करने के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि शुक्र आज आपके लिए शुभ योग बना रहा है। ऐसे समय में ही कोई भी इंसान किसी रिलेशनशिप में आ जाता है। साथ ही साथ आज आपको स्त्री का भरपूर प्यार मिलेगा। आज आप स्त्री को भरपूर भोगेंगे, अपने जीवन में संतुष्टि और सुख की प्राप्ति करेंगे। तुला राशि वालों, आज आपका स्वाभिमान भी बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, आपका आत्म गौरव बहुत ऊंचा रहेगा। जीवन में उन्नति के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। आज आप अपने बड़ी सफलता के लिए अपने मेहनत, जोश और उमंग के साथ काम करते जाइए। आज का दिन आपके लिए शुभ है, क्योंकि बुध आपको आज विजय प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। साथ ही साथ चंद्रमा का प्रभाव आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा और शनि जीवन में ऊर्जा और साहस देगा। आज आप तेजस्वी और हर इच्छा की पूर्ति करने वाला भाग्यशाली बनेंगे। आज आपका भाग्य बदल सकता है। सौभाग्यशाली योग आज के लिए दिन आपका खास है। भाग्य में बड़ा परिवर्तन, जीवन में खुशी, धन मान सम्मान की प्राप्ति, आज आपकी दिल की कोई तमन्ना पूरी होगी। सावन का महीना महादेव का आशीर्वाद आपको आपके भाग्य को जरूर चमकाएगा। तुला राशि वालों, आज महादेव का जरूर दर्शन करें, जरूर पूजा करें, कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां एक साथ आने वाली है। सफलता, ग्रहों का सुंदर दशा आपको सौभाग्य दे रहा है। तुला राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, समस्याओं का अंत होगा, रुकावटें खत्म होगी। आज हर बाधा को पार करके आप आगे बढ़ेंगे। आज आपका भाग्य बड़ा सुंदर शुभ योग बना रहा है। साथ ही कर्म से अपने जीवन में बड़े बदलाव को आप करेंगे। तुला राशि वालों, आज अश्लेषा नक्षत्र, बुध चंद्रमा, राहु शुक्र और बृहस्पति, साथ ही साथ मंगल, सब अच्छे पोजीशन पर बैठे हैं। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन का शुभ योग बन रहा है। आप सौभाग्यशाली बन रहे हैं। तुला राशि वालों, किसी भी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। आज कुछ पाने की ललक, कुछ इच्छा आपके मन में जागृत होगी। स्त्री का प्यार, धन की इच्छा, परिवार में खुशी और शांति, आपके लिए दिन सुंदर, शुभ और सुखद होगा। तुला राशि वालों, आज अश्लेषा नक्षत्र आपके जीवन में बड़ी सफलता, खुशखबरी, धन का सुख, सौभाग्यशाली योग और खुशियां दे रही है। इसलिए आज के दिन को आप अच्छे से बिताएं, मेहनत करें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ें। भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत में खुशियां और धन दोनों मिलेगी। तो तुला राशि वालों, राशिफल जानने के बाद कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा, उन्नति और प्रगति होगी, जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आपका राशिफल लेकर आते हैं। और तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई बाधा है, कोई मुसीबत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि ज्योतिष सहायता आप तक पहुंचाने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो, सुंदर हो, सुखद हो, बड़ी सफलता मिले, खुशखबरी मिले, धन सुख सौभाग्यशाली बने। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।